हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रिक्शन और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये सब डिस्कस किए थे। सो आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी वर केम टू नो, हमें ये पता चला कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन टू सर्फेसेस इनकाउंटर ईच अदर। जब दो सर्फेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, राइट? सो अब ये फ्रिक्शन, हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे जैसे कि मशीनरी के पार्ट का टूटना वगैरह, ऐसी चीज़ें, तो इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस इट। तो आज की इस वीडियो में इसीलिए हम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग को डिस्कस कर रहे हैं जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस की जाए ताकि नुकसान कम हो। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कुछ उनमें से मैंने इस वीडियो में तीन डिस्कस किए हैं एंड फर्दर आपको अगर रीड करना है तो मैं ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट्स का यूज करना। द सरफेस कमिंग इन कॉन्टेक्ट कैन हेल्प रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब सरफेस दो, ये फॉर एग्जांपल ये मशीनरी के पार्ट्स हैं, अब इनके बीच में यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग ऑयल्स, ग्रीस। अब ऑयल और ग्रीस हमारे पास लुब्रिकेंट्स होते हैं। ये करते हैं क्या है, लुब्रिकेंट क्रिएट करते हैं एक लेयर। अब जब लुब्रिकेंट, सॉरी फॉर दिस, अब लुब्रिकेंट जो हमारे पास होते हैं वो एक लेयर क्रिएट कर देते हैं इनके बीच में। जब ये ऑयल वगैरह अप्लाई किया जाता है तो इनके बीच में एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है जो कि हमारे पास इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने देती, तो जिसकी वजह से हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो सेकेंड मेथड है वो रिड्यूसिंग द लोड। अब हमने पहले भी डिस्कस किया है जो लोड होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतने में फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। सो बेस्ड ऑन दिस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लोड और वेट बींग अप्लाइड टू द सरफेस। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर हम फोर्स लगाएं, अब यहाँ पे फोर्स और फ्रिक्शन दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि फ्रिक्शन भी एक तरह की फोर्स ही है। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से इनके बीच में जो कॉन्टेक्ट आएगा उस पर भी फोर्स ज़्यादा लगेगी, यानी अपोजिंग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। रिमेंबर हमने पहले भी डिस्कस किया है यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही होती है हमारे पास, क्योंकि जितनी फोर्स हम लगाएंगे उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल ये मैग्नीट्यूड होने की कोशिश करता है, जिससे हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब होता है और कोई बॉडी रुक जाती है। सो जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। तो हम रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द लोड, हम लोड कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल उसी मुकाबले में यहाँ पे हमारे पास ये कुछ लाइटर ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स एज कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट कम लगेगी, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस की जा सकती है बाय लोड, डिक्रीजिंग द लोड। हैवी ऑब्जेक्ट से हम लाइटर ऑब्जेक्ट उसे बना दें। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है बहुत हैवी है, मतलब उनको आप एक ही साथ उठा रहे हैं तो दैट विल क्रिएट, या एक ही साथ लिफ्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकती है, और बजाय उसके आप उस लोड को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देन यू कैन लिफ्ट इट, तो उससे हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज यूज ऑफ रोलर बियरिंग। हमारे पास ये जो बियरिंग है ये हमारे पास प्लेन बियरिंग है। प्लेन बियरिंग हमारे पास शाफ्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, सारा रोटेट कर रहा होता है जिससे हमारी इतनी फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होती, और वहीं पे हम रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास ये इनके अक्रॉस रोल कर रहा होता है, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काज होती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस होती है।
फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ रोलर बियरिंग बिकॉज दे क्रिएट रोलिंग फ्रिक्शन। जब सरफेस के दरमियान रोलिंग फ्रिक्शन आएगी तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास सरफेस इतना कॉन्टेक्ट में नहीं आता, इतनी फोर्स सरफेस पे नहीं लगती, तो उसकी वजह से हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और आपको अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।